हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे DRDO CEPTAM टेक्नीशियन की भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 351 पोस्ट के लिए जो भर्ती जारी की गई थी, जिसका एग्ज़ाम जो है सितंबर मंथ के लास्ट वीक में हुआ था और काफ़ी लोग जो है इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया और सभी का बस एक ही क्वेश्चन है, सर कब तक इसका रिजल्ट आएगा, क्या एक्सपेक्टेड डेट है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपको वही बताने वाले हैं कि इसका रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेड डेट कब तक आएगा। 100% डेट जो है इस तारीख तक जो है आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट न्यूज चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है और DRDO संबंधित जितने भी अपडेट है हम सब कुछ आपके लिए लेकर आते हैं स्मार्ट न्यूज चैनल पर। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले चीज़ मैं कुछ बता देता हूँ, बेसिक चीज़ें कि DRDO का जब भी रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले चीज़ आपको क्या होगा, आपको उसमें देखिए आपको क्या दिया, एक PDF फाइल रहेगी, उसमें आपका नाम, रोल नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी, जेंडर, सब्जेक्ट नेम, जो आपका ट्रेड रहेगा यानी टोटल मार्क्स और रैंक। तो ये आपका जो है इस प्रकार कुछ आपका रिजल्ट आने वाला है। और जो मेरिट लिस्ट होगी, ऑब्वियसली दोस्तों जो आपका रिजल्ट आएगा, देख लीजिए यहाँ पर दिए हुए हिसाब से कि DRDO CEPTAM के रिजल्ट के साथ जो है उसका मेरिट लिस्ट भी आएगी साथ में। आप देख सकते हैं कि आपका क्या रैंक है और किस प्रकार जो है आप अपना रिजल्ट में स्थान प्राप्त करते हैं इस लिस्ट में। साथ ही दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जानकारी, तो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज में बता देता हूं कि अनरिजर्व के लिए आपको 40% कम से कम लाना ज़रूरी है। ये आपका क्वालिफाइंग है दोस्तों, यानी इससे नीचे तो आप जो है आपका मान्य ही नहीं होगा। यानी कि अगर आपको मेरिट में आना है तो 40% एटलीस्ट पहले तो आपका मार्क्स होना चाहिए, तब जो है आप मेरिट के लिए एलिजिबल होंगे। तो यानी कि ये एलिजिबिलिटी है आपकी कि आपको जो है पास आउट के लिए 40% मार्क्स होने अनिवार्य है। OBC में है तो भी यहाँ पर 40%, EWS वालों के लिए भी 40%, SC के लिए 35%, यानी कि सिर्फ SC वाले के लिए जो है 35% है, ST के लिए भी 35% और PWD के लिए भी 35%। यानी कि यहाँ पे दो है, एक है 40% और सेकेंड है 35%। तो 35% जो आपका है वो है SC ST PWD वालों के लिए, और जो 40% है वो जनरल OBC EWS वालों के लिए। तो ये आपका तरह जो है क्वालिफाइंग। तो दोस्तों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पहले तो इसका आंसर की जारी होगा। जी हाँ, फर्स्ट स्टेप जो है आपका इसका आंसर की आएगा, आपका आंसर की के बाद आपका आएगा रिजल्ट। अब बात हम करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आपका जो है रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों, रिजल्ट का जो डेट है, जो हमने एक्सपेक्टेड जो हमने पता किया है काफ़ी लोगों से जो है पता करने के बाद, जो है हमने इस वीडियो को बनाया जब एनालिसिस करने के बाद, तो इसका रिजल्ट का जो डेट दिया जा रहा है वो है सेकेंड वीक ऑफ डिसम्बर। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड वीक ऑफ डिसम्बर में ही आपका जो है इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड वीक यानी कि 15 दिसंबर के बाद से किसी भी तारीख को जो है इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आप टेक्नीशियन जो 351 पोस्ट है, जी हाँ दोस्तों 351 पोस्ट है, इसका जो है आप रिजल्ट देख सकेंगे। और दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रिशियन, कोपा, काफ़ी लोगों जो है अलग अलग ट्रेड्स में एग्ज़ाम दिए थे और सभी के जो है ट्रेड्स के जो है रिजल्ट एक ही दिन रिलीज़ होंगे। काफ़ी लोगों ने ऐसा पूछा था, सर क्या ट्रेड वाइज अलग अलग रिजल्ट जारी होगा, तो मैं उनको बता दूँ कि नहीं, ट्रेड वाइज रिजल्ट नहीं जारी होने वाला है। रिजल्ट आपका एक तारीख जो भी आप जो डेट आएगा एक ही दिन में रिजल्ट जो है अपडेट किया जाएगा, और उसमें आपका कोपा, इलेक्ट्रिशियन यानी आपका जो भी ट्रेड है सबका रिजल्ट देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।